channel, study and technical tomorrow. Today we are going to talk about why you should not buy R5 3600X. सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यार क्यों आपको राइजन 5 3600X नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि उसके चक्कर में आपको दूसरे प्रोसेसर खरीदने चाहिए। तो कोविड की वजह से इनकी शॉर्टेज बहुत हो चुकी है मार्केट में। आप सभी को पता है कि यार भाई दो नंबर में बिक रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस में। तो यार अभी रिसेंटली ही मैंने राइजन 5 3600 की प्राइस चेक की थी ऑनलाइन, तो वो थी करीबन 20,000 रुपये। लाइक जो प्रोसेसर आपको 17,000 का मिलता था, 18,000 का मिलता था, वो आपको 20,000 का मिला। तो यार बहुत सी वेबसाइट, बहुत से टेक यूट्यूबर आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि आपको राइजन 5 3600 ही खरीदना चाहिए या 3600X खरीदना चाहिए। मतलब 3600 के लिए काफ़ी ज़्यादा सजेशंस होंगे, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग है और आपका बजट 1,00,000 के अंदर अंदर है, तो आपको क्या खरीदना चाहिए। लाइक 1,00,000 के अंदर है बजट है आपका, तो क्या खरीदना चाहिए आपको। तो माय सीरियस रिकमेंडेशन टू यू इज राइजन 3 3300X। बिलीव मी, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। सही में भरोसा कर लो भाई पे, ठीक है। तो यार बात करते क्यों राइजन 5 3600 को अगर राइजन 3 3300X के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मेजर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। दोनों ही प्रोसेसर PCIe एक्सप्रेस जेन 4 को सपोर्ट करते हैं, तो स्टोरेज आपको बहुत ही फास्ट मिलेगी और मतलब स्पीड आपको अच्छी खासी मिलेगी स्टोरेज की और डेटा ट्रांसफर की, ठीक है। और अगली ही बात की जाए तो यार राइजन 3 3300X में आपको 4 कोर 8 थ्रेड मिलते हैं और पोस्ट क्लॉक स्पीड थोड़ी सी हाई मिलती है एज़ कम्पेयर टू राइजन 5 3600 की। और दोनों ही अनलॉक प्रोसेसर है, तो इट डिपेंड्स यू डैट हाउ मच यू कैन ओवरक्लॉक देम। और राइजन 5 में 3600 में आपको मिलते हैं 6 कोर 12 थ्रेड और 35 MB का कैश, 35 MB का कैश मिलता है। तो लाइक 2 कोर्स और टू मोर थ्रेड्स लाइक दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दैम एंड अ फ्यू मोर एक्स्ट्रा MB ऑफ कैश। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। सो लेट्स सी हाउ मच डज इट अफेक्ट इन गेमिंग। तो यार अगर बात की जाए गेमिंग के अंदर, तो यार देयर आर सम ग्राफ्स ऑन माई स्क्रीन, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, दैट राइजन 3 और राइजन 5 3600 को 3300X को हमने कुछ गेम्स पे कंपेयर करा था। तो लाइक जो भी अच्छे खासे GPU डिमांडिंग गेम्स में ना गेम्स है, उनमें कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। यू विल गेट एक्सेप्ट लाइक तुम्हें बहुत से गेम्स में बराबर के परफॉर्मेंस मिलेगी या लगभग बराबर परफॉर्मेंस ही मिलेगी। भाई जो कुछ CPU इंटेंसिव गेम्स है उनमें आपको राइजन 5 3600X के जो 2 एक्स्ट्रा कोर्स है बहुत ही काम में आएंगे। बट इसका फ़ायदा लेने के लिए आपके पास एक 144 Hz का मॉनिटर होना चाहिए। अगर आप 60 Hz के मॉनिटर पे गेमिंग कर रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप राइजन 3 लो या राइजन 5 लो, परफॉर्मेंस विल बी सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस परफॉर्मेंस का अगर आपको सही से उपयोग करना है तो आपको एक पास एक 120 Hz या 144 Hz का मॉनिटर चाहिए, वरना आप राइजन 5 और राइजन 3 के अंदर बिल्कुल अंतर बिल्कुल डिफरेंस बता ही नहीं सकते। तो ये तो बात हो गई गेमिंग में, क्योंकि गेमिंग में आपको कुछ खास अंतर मिलेगा नहीं, ठीक है। वही अगर आपको 6 कोर और 12 थ्रेड ही चाहिए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इंटेल का i5-10400F इज द बेस्ट प्रोसेसर। बस उसमें दिक्कत एक ही बात की कि वो PCIe एक्सप्रेस जेन 3 को सपोर्ट करता है और इट हैज 12 MB ऑफ कैश ऑनली, बस दैट इज द प्रॉब्लम ऑनली। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू राइजन 3 3300X, बिकॉज इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ VR गेमिंग। कि अगर आप फ्यूचर में वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो राइजन 3 3300X इज कैपेबल। और अगर आपका बजट 1,00,000 के अंदर है तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार दोनों में राइजन 3 और राइजन 5 में लगभग 8,000 का प्राइस डिफरेंस है, 8,000 इंडियन रुपीज़। अगर आप 8,000 इंडियन रुपीज़ किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो लाइक आपको 1 TB की M.2 NVMe मिल सकती है, या फिर एक आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल सकता है। लाइक 3060 से आप 3060 Ti पे जा सकते हैं, या 3060 Ti से आप 3070 पे जा सकते हैं। इट्स लाइक डैट ओनली। तो यार जैसा कि PC बिल्डिंग में होता है कि हम अपना सिस्टम GPU bound होना चाहिए, आपका सिस्टम GPU bound होना चाहिए, मतलब CPU बॉटल नेक नहीं करना चाहिए, GPU बॉटल नेक करना चाहिए CPU को। तो लाइक वही बात को मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक अच्छा GPU खरीदना चाहिए और लाइक 3300X खरीदना चाहिए। 3300X आपका 3060 Ti तक का साथ दे देगा। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लाइक ये तो मार्केट में हवा बना दिया गया है कि यार आपको 6 कोर 12 थ्रेड तो चाहिए ही चाहिए 2020 में, लाइक चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले भी जाएंगे ना, तो राइजन के आने से पहले लाइक इंटेल i7 तक 4 कोर 8 थ्रेड के हुआ करते थे, और लैपटॉप्स में तो अभी तक 10th generation में भी वो 4 कोर 8 थ्रेड के ही थे i7। बहुत टाइम पहले की बात नहीं है, कुछ टाइम पहले की बात है। तो लाइक जैसे ही राइजन 5 आया 6 कोर 12 थ्रेड के साथ,
automatically the industry has gone to more cores and more threads. But and actually you don't need it. क्योंकि बहुत से गेम अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं है 8 कोर 32 कोर लाइक इन सब के लिए यार योर क्वाड कोर सीपीयू कैन रन दैम इनफ वेल फॉर योर रीजंस. तो बात की जाए दूसरा वर्क फ्लो है आपका तो उसमें क्या खरीदना चाहिए. देखो अगर आपका वर्क फ्लो एडिटिंग VFX या कुछ भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क है तो ही आपको राइजन 5 या राइजन 7 खरीदना चाहिए. बाकी आपको राइजन 3 या i3 या i5 ही खरीदना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्राइस अगर चीज़ की सस्ती है वो अच्छा प्रोसेसर है मेरे लिए. राइजन 3 3600X इज द बेस्ट प्रोसेसर इफ़ यू हैव बजट लेस देन 1 लाख रुपीज़. क्योंकि आपने जो पैसा बचाया आप उसको कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं. मतलब यार आप अच्छा CPU अच्छा केस अच्छा मॉनिटर कुछ उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं. अखंड पैसा तो आपकी मर्जी हो जो खरीदो हमें कुछ मतलब नहीं. अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरा सी भी हेल्प हो चुकी है CPU खरीदने में जरा सा भी कुछ हुआ हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना. और प्लस मैंने एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर तो उसे भी देख लेना. तो कंक्लूजन की बात की जाए तो राइजन 3 3300X इज बेस्ट फॉर 80% ऑफ द पीपल और जिनका काम CPU इंटेंसिव है जैसे कि वीडियो एडिटिंग VFX या CPU रिलेटेड काम जिसमें CPU ज़्यादा यूज़ होता है. फॉर example, इफ़ यू आर यूजिंग प्रीमियर प्रो अ लॉट देन यू हैव टू हैव अ राइजन 5 3300X और उसमें अगर CPU थोड़ा सस्ता भी लगाएंगे ना तो चलेगा. क्योंकि प्रीमियर प्रो इज स्टिल हैवीली डिपेंडेंट ऑन CPU रेदर देन GPU. अगर आप DaVinci Resolve जैसा कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो GPU ज़्यादा देखता है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर यूज़र यूज़ केस. बट गेमिंग में क्योंकि गेम्स होते हैं वो अधिकतर GPU डिपेंडेंट होते हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि राइजन 3 इज बेस्ट लाइक बेस्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. सब टू द चैनल विल बी अ ग्रेट.